This conference will now be recorded. तो कनाडा के अंदर 10 प्रोविंस है और 3 टेरिटरी है, जिसमें 17 मेडिकल स्कूल्स के अंदर हम लोग मेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं। अभी मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, जैसे ही बच्चा इंडिया में, अगर उसको मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो उसको नीट का एग्जाम देना जरूरी है और नीट क्रैक करना भी जरूरी है। वैसे ही अगर किसी के बच्चे को कनाडा के अंदर और यूएस के अंदर, दोनों की मैं बात करूं, कनाडा और यूएस दोनों में मेडिकल स्कूल्स में एडमिशन लेना है कोई भी कंट्री में, तो एमकेट का एग्जाम जरूरी है। तो एमकेट क्या है? व्हाट इज एमकेट? एमकेट का फुल फॉर्म है मेडिकल काउंसिल कॉलेजेस ऑफ एडमिशन टेस्ट, जो एएएमसी के द्वारा लिया जाता है। अभी एएमसी क्या है? एएमसी है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा एमकेट का एग्जाम लिया जाता है। और अभी हम लोग एमकेट के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या है एमकेट। तो एमकेट का एग्जाम 4 सेशंस में होता है। आपको दिखाई देगा होगा स्क्रीन के अंदर, सेशंस 1, सेशंस 2, सेशंस 3 एंड सेशन 4। अगर हम सेशंस की बात करें तो सेशंस 1 के अंदर बायोलॉजिकल फंडामेंटेशन ऑफ लिविंग सिस्टम, वो पार्ट सेशन 1 के अंदर आता है। सेशन 1 95 मिनट्स का होता है और उसमें बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी के मेन क्वेश्चन आते हैं और 59 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सेशन टू में आता है केमिकल एंड फिजिकल फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, वो भी 95 मिनट्स का रहता है और 59 क्वेश्चन उसमें आते हैं। सेशन थ्री है साइकोलॉजिकल एंड सोशल एंड बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, वो भी 95 मिनट्स का रहता है और उसमें 59 क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट पार्ट, जो लास्ट सेशन है, वो चौथा सेशन है अपना। वो सेशंस में क्रिटिकल एनालिसिस एंड रीजनिंग स्किल्स, वो 90 मिनट्स का रहता है और 53 क्वेश्चन उसमें आते हैं। पहले जो 3 सेशंस है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3, वो तीनों 3 सेशन में एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट और 36 सेकंड का टाइम मिलता है। मींस अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 1 मिनट और 36 सेकंड का टाइम मिलता है। और जो लास्ट वाला आपको 4 सेशंस है उसमें आपको 1 मिनट एंड 41 सेकंड का टाइम मिलता है। अभी ये एमकेट के चारों 4 सेशंस हैं। और अभी ये एमकेट के 4 सेशंस में क्या क्या डीप में आता है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसका हम लोग डिटेलिंग में देखेंगे। फर्स्ट सेशंस है उसमें होमोस्टेटिक्स, सेल ऑर्गेनिज्म एंड बायोमोलेक्यूल कंट्रीब्यूशन सेल्स, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन सेशंस 1 में पूछते हैं। और पहले ही बताया उसी तरह सेशंस 1 आपको पता है जो 95 मिनट्स का रहता है, तो इसी तरह ये रहता है। सेशंस 2 जो है वो बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स पे डिपेंडेबल है, जिसमें हम सेल ट्रांसपोर्ट, सिग्नल एंड रिस्पांस एंड केमिकल इंटरेक्शन एंड रिएक्शन के बारे में सेशंस 2 में क्वेश्चन आंसर आपको आते हैं। तो आपको सेशंस 2 में ये 2 सब्जेक्ट क्लियर करना है। सेशंस 3 जो है वो सोशल एंड साइकोलॉजिकल, ये 2 सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेबल है, जिसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन फैक्टर एंड अफेक्टिंग बिहेवियर, इंपैक्ट ऑफ कल्चर एंड सोशल डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट हाउ वी थिंक एंड रिएक्ट ऑफ अवर सेल्फ, एंड लास्ट फैक्टर दैट अफेक्ट अवर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये
सेशंस तीन में जो सोशियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल है उसमें ये पांच टॉपिक कवर किए जाते हैं और लास्ट वाला सेशंस जो है हमारा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कोर्सेज उसमें फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग विद द टेस्ट एंड रीजनिंग बियॉन्ड द टेस्ट ये सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है और एमकेट का एग्जाम देना है मींस एमकेट के एग्जाम में ये चार सेशंस में है और इतने टॉपिक्स है जिसमें हम लोग ये चार टॉपिक्स के बारे में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ये जो चार सेशंस में उसमें आपको पढ़ना है कैलकुलस स्टेटिक्स केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एनाटॉमी सेल बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड जीनेटिक्स ये सभी सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ेंगे वही सब्जेक्ट्स का आपको एमकेट के अंदर क्वेश्चन आंसर आता है और वो फोर सेशंस में आता है जिसका आपको एग्जाम देना है जो आप क्रैक करोगे जैसे ही एमकेट का एग्जाम क्रैक होता है आपको कनाडा और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की सभी मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो एमकेट का एग्जाम ड्यूरेशन क्या है एमकेट का एग्जाम ड्यूरेशन तो जैसे ही आप अगर एमकेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप साल में तीन बार मींस थ्री टाइम्स इन वन ईयर एंड सेवन टाइम्स इन योर एंटायर लाइफ तो पूरे वहां पे सात साल पूरे लाइफ में आप सात बार वो एग्जाम दे सकते हो एमकेट की एग्जाम फीस क्या है अगर जब आपको एग्जाम देना है उसके आप तीन चार वीक पहले अगर आपका बुकिंग करवाते हो रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको $310 में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है अगर आप जब एग्जाम देना चाहते हो उसके अगर आप एक दो वीक पहले आप अगर एमकेट का एग्जाम रजिस्ट्रेशन करते हो एक दो वीक पहले तो आपको वही फीस $365 में पड़ेगी अभी हम लोग हमारी टीम हमारे एक्सपर्ट जो एमकेट क्वालिफाइड प्रोफेसर एमकेट क्वालिफाइड एक्सपर्ट एमकेट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो हमारी टीम यूएस और कनाडा में है और वही टीम आपको एमकेट का कोचिंग देगी और कैसे आपको एमकेट क्रैक करना है उसका आपको इंफॉर्मेशन देगी तो इसी तरह अगर हम लोग बात करते कि क्या क्या एमकेट में आता है तो मैंने बताया उतने सब्जेक्ट्स आते हैं और हम लोग बात करते हैं कि एमकेट कौन लेता है तो फिर एएमसी क्या हमको प्रोवाइड कर रहा है तो एएमसी हमको एमकेट के टेस्ट सीरीज हमको प्रोवाइड करती है एमकेट के हमको मॉक टेस्ट जो होते हैं वो प्रोवाइड करती है और एमकेट के जो फ्लैश कार्ड है जिसमें एमसीक्यू टाइप फ्लैश कार्ड आते हैं वो एमकेट के सभी क्वेश्चन आंसर एएमसी हमको प्रोवाइड करती है और मैंने बताया कि एएमसी क्या है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस एमकेट का एग्जाम टाइम एमकेट का जो एग्जाम टाइम है वो सुबह 8 से लेके दोपहर को 3 बजे तक यानी 7.5 घंटे का एमकेट का एग्जाम रहता है जैसे मैंने आपको 4 सेशंस में बताया कि सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 सेशन 4 तो जो सेशंस 1 रहता है वो सेशंस 1 में आपको मैंने बताया कि 95 मिनट्स सेशन 2 95 मिनट्स सेशन 3 95 मिनट्स और सेशन 4 90 मिनट्स तो जो फर्स्ट सेशंस और सेकंड सेशंस होता है वो दो सेशन के बीच में आपको 10 मिनट्स का गैप मिलेगा मींस जैसे आप फर्स्ट सेशन का एग्जाम दे रहे हो आपने फर्स्ट एग्जाम दिया फर्स्ट सेशन का आपका जैसे ही 95 मिनट्स कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको 10 मिनट्स का गैप मिलेगा वो 10 मिनट्स के गैप के बाद आप वापस
आपको 95 मिनट का सेशन टू का एग्जाम देना है, उसके बाद आपको वापस 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा और आप सेशन तीन में जाओगे। सेशन तीन में आपको 95 मिनट का आपको सेशन है, उसका एग्जाम देना है, उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा और लास्ट वाला जो सेशन है वो आपका सेशन है 90 मिनट का। तो वैसे ही 95 मिनट्स और 90 मिनट्स और 10-10 मिनट के ब्रेक, तो वैसे ही टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 7.5 घंटे का होता है। मीन्स आपको आपका एग्जाम टाइम 7.5 घंटे का है और ये 7.5 घंटे के जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको कुछ भी अलाउड नहीं करते। मीन्स जैसे ही आप जाओगे तो आपको एक आपको आपका जो भी मटेरियल आप लेके जाओगे उसको आपको एक बॉक्स में रख देना पड़ता है। आपका अपना फोन, सेल फोन, जो भी मटेरियल लैपटॉप्स है वो आपको साइड पे रख देना पड़ता है और आपका एक स्कैनिंग होगा फुल बॉडी का। अगर आप तो स्कैनिंग में कुछ भी डिटेक्ट होता है तो वो आपको बाहर रख देना है और आपको एमकैट का एग्जाम देने जाना है। एमकैट का एग्जाम है पूरा कंप्यूटर बेस्ड है और एमसीक्यू टाइप है, तो उसी तरीके से आप एमकैट का एग्जाम दे सकते हो। एमकैट का रिजल्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो जो एमकैट का रिजल्ट है, जो भी आप एग्जाम दोगे उसके 30 या 35 दिन के बाद आपका एमकैट का रिजल्ट आता है और आपको 470 से लेके अबो 525 मार्क्स आपको एमकैट के एग्जाम में लाने हैं। अगर आपको अच्छी मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूएस और कैनेडा में आपको लेना है एडमिशन तो आपको स्कोर 475 से लेके 525 के बीच में होना चाहिए तो ही आपको एडमिशन मिल सकता है। हाँ, पर आपके लिए एक बेनिफिट है कि कनाडा के अंदर दो मेडिकल स्कूल्स ऐसी है जो आप एमकेट क्वालिफाई करोगे तो भी आपको मेडिकल स्कूल्स में एडमिशन मिल सकता है। दो स्कूल्स का मैं आपको नाम बता रहा हूं, नॉर्दर्न ऑन्टेरियो स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड सेकंड इज यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। तो ये दो कॉलेजेस और स्कूल्स ऐसे हैं जो आप एमकैट क्वालिफाई करोगे तो भी आपको एमकैट में एडमिशन मिल सकता है। एमकैट की जो यूजफुल लिंक है तो वो यूजफुल लिंक में है कि www.aamc.org और दूसरा है एमकैट डेट्स। जो एमकैट डेट्स है वो उसके लिए अगर आपको लिंक वो करना है तो students.residence.aamc.org और एमकेट के स्कोर के बारे में अगर आपको जानना है तो www.captest.com। ये तीन यूजफुल लिंक है जो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे डालेंगे और वहां पे हम लोग ये तीन जो भी यूजफुल लिंक है हम आपको शेयर कर देंगे। आगे बात करने हैं कि जैसे ही अगर आप अपना एमकेट क्रैक करते हो तो कोई भी स्कूल्स, कोई भी मेडिकल कॉलेज और कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाओगे तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन होंगे, इंटरव्यू में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको क्या चाहिए इंटरव्यू में, तो हम उसके बारे में बताते हैं। तो मेडिकल एक्सपर्ट इसीलिए है कि आपको किन चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट है प्रोफेसर। प्रोफेसर में आपको जो भी आप मेडिसिन स्कूल में पढ़े हो, जो भी आपका स्किल्स है एज अ प्रोफेशनल आपको वहां पे दिखाना है कि हाँ आप 2 साल बाद कहाँ कौन सी हॉस्पिटल में क्लिनिकल रोटेशन के लिए गए थे, आपने प्रैक्टिस कहाँ किया, वो चीज आपको देखना है। दूसरा है आप अच्छे कम्युनिकेटर होने चाहिए, जैसे आप अपने स्टाफ के साथ, किसी दूसरे डॉक्टर के साथ, नर्सिस के साथ कैसे आप कम्युनिकेट करते हो वो चीज है। तीसरा है वॉलेंटियर इन हॉस्पिटल, मीन्स जो टाइम आपने, जो 4 साल आपने मेडिकल स्कूल्स में बिताए हैं वहां पे आप कैसे वॉलेंटरी आपने काम किया है। वॉलेंटरी मीन्स क्या है कि वहां पे जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हो तो कौन सी आपने सर्विस दिए है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो सेवाएं, तो वो आपको ध्यान रखना है। आप
अपनी मेडिकल स्कूल्स में स्कॉलर होने चाहिए, दूसरा आप एजुकेटर होने चाहिए, और तीसरा है आप कोलैबोरेटर होना चाहिए। तो उसी तरह और आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी स्कूल्स में किसी अच्छी बास्केटबॉल है, फुटबॉल टीम है, उसमें आप कैप्टन होने चाहिए या उसमें आप आगे होने चाहिए। तो ये सब चीज आपको इंटरव्यू दरमियान पूछी जा सकती है कि आप क्या क्या हो, आपका प्रोफेशनल क्या है, आप वॉलेंटियर रहे हो, आप स्कॉलर कहां पे रहे हो, ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज मैं बताता हूं कि यूएस और कनाडा में, यूएस और कनाडा में अगर आप एमबीबीएस करोगे तो आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो मैं आप समझाता हूं कि आप किस तरह के तरीके से आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। यूएस और कनाडा वहां पे 8 इयर्स होता है एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, मींस यूएस और कनाडा। तो किस तरह से ये 8 साल का होता है, किस तरह ये 8 साल का रहता है, तो हम लोग वो देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग आपको डायरेक्ट एडमिशन मेडिकल स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हम आपको एडमिशन नहीं दिलाते, क्योंकि आपको एमकेट का एग्जाम क्रैक करना होता है। तो इसीलिए हम आपको पहले 3 इयर्स या 4 इयर्स हम आपको प्री मेडिकल एसोसिएट डिग्री, जिसको बैचलर डिग्री भी बोलते हैं, उसमें हम आपको एडमिशन दिलाते हैं। ये 3 साल और 4 साल बैचलर आप पढ़ोगे, उसी दरमियान हम आपको एमकेट के जो मटेरियल है, एमकेट मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको एमकेट कैसे क्रैक करना है, एमकेट का कोचिंग कैसे करना है, वो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको गाइड करती रहेगी। और आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर जो आप बैचलर प्री मेडिकल प्रोग्राम पढ़ोगे उसमें आपको ध्यान यही रखना है कि आप जैसे हो सकते हो वैसे आपका जीपीए हाई लाओ, मीन्स आप अच्छे से अच्छा परसेंटेज वहां पे लाओ, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपका अच्छा जितना अच्छा परसेंटेज होगा वैसे ही आपको टॉप लेवल की यूएस और कनाडा की मेडिकल स्कूल्स में एडमिशन मिलेगा। मीन्स आपको दो चीज ध्यान रखनी है, अच्छा जीपीए और अच्छा एमकेट, ये दोनों चीज ही जरूरी है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर आपको पूरा फोकस करना है आपकी बैचलर प्री मेडिकल स्टडी के ऊपर। जैसे ही आप तीसरे साल में आओगे हम आपको एमकेट का कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको एमकेट का कोचिंग देगी। तो आपको तीसरे साल में फोकस करना है एमकेट के कोचिंग पे। जैसे ही वो हमारे 5 से 6 महीने का एमकेट का कोचिंग रहेगा, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको कोचिंग देगी। जैसे ही आप 5 और 6 महीने में आपका एमकेट का कोचिंग कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद हम आपको 10 टेस्ट हम आपको वैसे ही हम आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज देंगे। 10 मॉक टेस्ट सीरीज क्या है? तो 10 मॉक टेस्ट सीरीज बात अलग है कि वो हम आपको 10 टाइम्स देंगे, पर अगर हम 1 मॉक टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो 1 मॉक टेस्ट सीरीज इज इक्वल टू 1 एमकेट एग्जाम। जो मैंने आपको बताया कि जो आपका एमकेट एग्जाम है, जो आपका एमकेट एग्जाम 7.5 घंटे का होता है, तो वही सेम इक्वल एमकेट का 1 एग्जाम इज इक्वल टू 1 मॉक टेस्ट सीरीज। मीन्स आपका 1 मॉक टेस्ट सीरीज भी आपका 7.5 घंटे का होगा।
तो आपको पता चलता है, फर्स्ट टाइम आप मॉक टेस्ट सीरीज में आप फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज लोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से, आपका परसेंटेज कितना आया, आप कितने मार्क्स लाए। अगर आप मार्क्स लाए हो 400 तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, आप कौन से सब्जेक्ट में हाई रैंक लाए हो। तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी है, और आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी को बता सकते हो कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी है, तो आप वो सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत कर सकते हो। उसी एक महीने बाद हम आपको दूसरा मॉक टेस्ट सीरीज देंगे, उसके बाद हम आपको तीसरा देंगे। उसी तरह आपको पता चल जाएगा कि हाँ वन बाय वन आप टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज जो दे रहे हो उसमें आप कितने मार्क्स ला सकते हो, आप कहाँ पे लो हो, आप कहाँ पे हाई हो, वो आपको पता चलेगा। तो आपको पता चल सकता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आपको किसमें ज्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद 10 मॉक सीरीज के बाद अगर हमको ऐसा लगेगा कि यस आपका स्कोर 500, 525 का आ गया है, तो हम आपको एमकेट का आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन एमकेट का करोगे, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ योर प्री मेडिकल बैचलर कोर्स यू कैन डू योर एमकेट एग्जाम। जैसे ही आप अपना एमकेट एग्जाम क्रैक करोगे, एमकेट एग्जाम क्रैक करने के बाद अपना अच्छा कोर्स आएगा, अच्छा कोर्स के साथ आपका अच्छा जीपीए होगा, तो आप कनाडा की 17 मेडिकल कॉलेज और यूएस यूनाइटेड स्टेट की करीबन 75 प्लस मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में आप एडमिशन ले सकते हो। आप अपना जीपीए, आप अपना एमकेट, अपना जीपीए और वो सबमिट करते हो, और आपको एक इंटरव्यू डेट दिया जाएगा, वो इंटरव्यू डेट पे आपको वो मेडिकल स्कूल्स में जाना है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, और आप इजीली आप मेडिकल स्कूल यूएस और कनाडा में एडमिशन ले सकते हो। तो हमारी तरफ से किस तरह एमकेट आप क्रैक कर सकते हो, एमकेट का गाइडेंस क्या है, ये सब हम आपको डिटेल्स में प्रोवाइड करते हो। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी यूएस और कनाडा दोनों जगह पे है, जो एमकेट क्वालिफाइंग फैकल्टी है, जो एमकेट क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, वो हमारी टीम है जो यूएस और कनाडा में है। तो वही टीम आपको प्रैक्टिस करवाएगी, और आपका जो ड्रीम है यूएस और कनाडा का मेडिकल करने के लिए वो आप कंप्लीट कर सकते हो, वो भी सुप्तमा एजुकेशन सर्विसेज के साथ। मैं आपको दिखाता हूं कि कनाडा में कौन सी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स है जो जिसमें आप एडमिशंस ले सकते हो। तो वो 17 मेडिकल स्कूल्स और कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशंस ले सकते हो। उसमें से मैंने 11 मेडिकल स्कूल्स और यूनिवर्सिटी यहां पर रखी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। कनाडा के अंदर 4 मेडिकल स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ऐसी हैं जिसमें इंटरनेशनल बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। तो 11 मेडिकल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केटून, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, नॉर्दर्न ऑन्टेरियो स्कूल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑन्टेरियो। साथ में सामने भी आपको दिखता होगा कि आपको जीपीए कितना चाहिए और आपका एमकेट स्कोर कितना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास 2 मेडिकल स्कूल्स और यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सिर्फ आप एमकेट क्वालिफाइड हो जाते हो तो भी आपको एडमिशन मिलता है। तो ये 11 और 2 यूनिवर्सिटी हमारे पास आती है, नॉर्दर्न ऑन्टेरियो स्कूल्स ऑफ मेडिसिन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। आपको दिखाई देता होगा ये जो नीचे वाली जो है, ये जो नीचे वाली जो मैंने लिखी है, ये 2 स्कूल सिर्फ आप एमकेट क्वालिफाई हो जाते हो तो भी आपको आपको इसकी बेस पे आपको एमकेट में मेडिकल स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। वैसे ही हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी 80 मेडिकल स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। मीन्स आपके पास कनाडा प्लस यूएस की 100 प्लस यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अपना मेडिकल मीन्स डॉक्टर बनने का ड्रीम
आप कंप्लीट कर सकते हो, आपको क्या क्या हेल्प चाहिए, आप किस तरह से, आपको कौन से स्टेप पे जाना है, किस तरह आपको वर्किंग करना है, ये सब चीज हम लोग यानी सोप्तमा एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मेन ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है, गुजरात है, और पूरे इंडिया में हमारे 28 ब्रांचेस है जहां से आपको नॉलेज मिल सकता है। और आप अपना नंबर हमको शेयर कर सकते हो, आपको अगर कोई क्वेरी है, आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो हमको आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो, तो हम आपको उसी तरह पे हम आपको एडमिशन दिलाएंगे, बरोबर है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में नीचे दिखाई दिया होगा कि जो कॉन्टेक्ट डिटेल है वो भी आप आ सकते हो, 9558669687 वो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है। आई एम चिराग पटेल, सोप्तमा एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात हेड ऑफिस से मैं हूँ। अगर आपको यूजी, ये पूरा यूजी के इंफॉर्मेशन के लिए सेमिनार था, मीन्स जिसको 12th के बाद डॉक्टर बनना है और कैनेडा यूएस में डायरेक्ट जाके बनना है, उसके लिए सेमिनार था। अगर आपको पीजी इन यूएसए करना है, मीन्स आपका ड्रीम है कि मैं पीजी, मेरा एमएस और एमडी मैं यूएस में जाके फुलफिल करूं, तो उसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वेबिनार देख सकते हो, वो वेबिनार का लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। और आप अपना कमेंट देके हम आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा सकते हो। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो वन बाय वन। हेलो चिराग भाई, हेलो आवाज आ रही है? हेलो, किसी और को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। राहुल भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर आ रही है। रवि जी बताइए। हाँ सर, इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फी स्ट्रक्चर सर डिपेंड है, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी चिराग भाई आ रही है आवाज। यस सर, फी स्ट्रक्चर में है, जो पहले हम प्री मेडिकल कोर्स के लिए भेजते हैं बच्चों को, जो बैचलर कोर्स है उसमें पहले साल 13 लाख है। अच्छा, दूसरे साल 11 लाख है, ठीक है, तीसरे साल 8 लाख है, 13 लाख फिर 8 लाख। हाँ 13 लाख, 11 लाख, 8 लाख, 8 लाख, ठीक है, ओके। ये प्री मेडिकल बैचलर कोर्स है जिसमें एमकेट का पूरा एक्सपर्ट फैकल्टी का कोचिंग आ गया, एमकेट का आपका मटेरियल आ गया, एमकेट का फ्लैश कार्ड आ गया, एमकेट का एग्जाम फीस आ गया, सब कुछ आ गया, मींस कॉलेज और यूनिवर्सिटी फीस के साथ पूरा एमकेट का कोचिंग से लेके सब कुछ आ गया, ठीक है। जैसे ही बच्चा मेडिकल में जाएगा पांचवें साल से, पांचवा छठा और सातवां और आठवां, 4 साल का वहां पे एमडी कोर्स रहता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जिसको बोलते हैं, वो 4 साल का रहता है, ठीक है। तो वो 4 साल में आपका फीस रहेगा 12.5 से लेके 15 या 16 लाख तक, ज्यादा नहीं आएगा पर ईयर, ये पूरा 4 साल का पर ईयर, 12.5 से लेके 15 से 16 लाख ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, क्योंकि वो डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी है कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है, उसके पर फीस रहता है, तो मिनिमम 12.5 लाख है और मैक्सिमम 16 लाख तक आपका फीस जाता है पर ईयर का, और 4 साल का ये एमडी कोर्स रहेगा। तो टोटल कॉस्टिंग तो इसकी कितनी बैठ गई? 1 करोड़ के ऊपर गई? यस सर। रवि सर, इसका एक बेनिफिट अगर आप देखेंगे, अगर कैरेबियन में जा रहे हैं, अगर कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में,
तो कैरेबियन के अंदर उसका कॉस्टिंग हो जाता है मोटा मोटा 85 to 90 लाख रुपीज। लेकिन यहाँ पर बेनिफिट वो होता है कि जब बच्चा बीएससी कर रहा है उस टाइम पे उसको 20 घंटे का जॉब का अलाउंस होता है, मीन 20 घंटा तो वो जॉब कर रहा है। इफ स्टूडेंट विल नॉट गोइंग टू क्वालिफाई द एमकेट एग्जाम देन उसके पास 2 साल का जॉब कोस्टिंग वीजा तो अवेलेबल ही, उसके बाद वो पीआर भी हो सकता है वहां पे। तो बच्चे का पैसा और उसका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। जबकि कैरेबियन में अगर बच्चा जा रहा है तो उसका कोई गारंटी नहीं है वो यूएस में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा कोई भी एंगल से। यहाँ पे गारंटी वो अलग है, ये अलग है। यस और रवि सर, हेलो। हाँ सर, हाँ सर, रवि सर, और बच्चे के पास 13 ऑप्शन है कनाडा के अंदर, 13 स्कूल्स और कॉलेजेस है कनाडा के अंदर, और 80 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी और मेडिकल स्कूल है यूएस के अंदर। मींस बच्चा एक ही एमकेट का एग्जाम देता है और यो यूएस और कनाडा दोनों में से उसको उसको जो भी कंट्री पसंद है वहां पे जाके वो पूरा अपना मेडिकल का पढ़ाई खत्म कर सकता है। और उसका जो बैचलर का प्री मेडिकल का भी स्टडी है वो यूएस और कनाडा में ही करेगा, नहीं कि वो कोई कैरेबियन कंट्री या कोई अलग कंट्री में जाके करेगा। तो जो अच्छा, जो पीजी पीजी के कुछ क्वेरी। हाँ हेलो। हाँ पीजी का जो है वो नेक्स्ट वेबिनार हमारा रहता है, जस्ट मिनट मैम, पीजी का जो वेबिनार है वो हमारा नेक्स्ट वेबिनार रहेगा पीजी के लिए पूरा, कि कैसे आप पीजी में यूके में कनाडा में यूएस में आप एडमिशन ले सकते हो पीजी के अंदर, तो उसका नेक्स्ट वेबिनार रहता है। ये वेबिनार सिर्फ आपको एमबीबीएस मींस डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में एडमिशन किस तरह लेना है उसके रिगार्डिंग है। हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन मेरे पास पीजी की कुछ इंक्वायरी थी, मैं कल भी वैसे भी कॉल करने वाला था। हाँ। तो पीजी का कुछ अपने को थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन दो ना, उन बच्चों को मुझे दे सकता हूँ। पहले मैडम का एक बात हम लोग सुन लेंगे। मैडम प्लीज। हेलो। यस, मुझे ये जानना है, मैं अभी एमबीबीएस कर रही हूँ, एमबीबीएस इन लास्ट ईयर, एंड मुझे पीजी के लिए कोई गाइडलाइन चाहिए। मुझे कनाडा और यूएस में नेक्स्ट चांस लेना है पीजी के लिए, और आई एम नॉट एनीथिंग, कनाडा में मेरा मेरा रिलेटिव है ही, मेरी सिस्टर ही है। तो मुझे प्रीफर करो कि कनाडा बेस्ट है या यूएस बेस्ट है, एंड देन राइट। हाँ ओके। अगर आपको कनाडा यूएस, मैं थोड़ा ब्रीफली डिटेल दूंगा क्योंकि पूरा इसके पर वेबिनार हम लोग नेक्स्ट कमिंग सून में बना ही रहे हैं, पर मैं आपको थोड़ा ब्रीफली डिटेल दे देता हूँ। अगर आपको कनाडा के अंदर आपको पीजी करना है अपना, तो पहले आपको कनाडा के अंदर आपको परमानेंट रेसिडेंसी लेना होगा, क्योंकि आप परमानेंट रेसिडेंस जब तक नहीं हो गए तब तक आपको कनाडा पीजी मींस कनाडा मेडिकल रेसिडेंसी के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मेरी सिस्टर भी पीआर ही है, तो हाँ। उसका कोई बेनिफिट हो सकता है या मुझे स्पॉन्सर करे या आपके ब्लड रिलेशन में अगर आपके सिस्टर है तो हम मिस एजुकेशन सर्विसेज आपको पीआर का ऑप्शन बता सकती है, आपको किस तरह आपकी पीआर की फाइल करनी है कनाडा में, जैसे आपका पीआर हो सकता है कनाडा में उसके बाद हम लोग गाइडेंस देंगे कि आपको कौन सी एग्जाम देनी है, आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो मैं आपको कनाडा के लिए करवा दूंगा। और रही यूएस की बात, तो यूएस में हमारे पास दो पाथ है। फर्स्ट हम आप यूएस में लो पब्लिक हेल्थ में एडमिशन, जैसे ही आप पब्लिक हेल्थ में एडमिशन, सारे लोग बोलते हैं कि यूएस में लेने के यूएसएमएलई मस्ट है एमबीबीएस के बाद, यूएसएमएलई नहीं पड़ता है। अदर ऑप्शन यूएसएमएलई के अलावा अदर ऑप्शन हो वो दिखाए, और वैसा नहीं कि छोटा मोटा कोर्स ले लिया और एमबीबीएस के बाद मैंने इधर 5.5 वर्ष इंडिया में किया एमबीबीएस और फिर वहां पे
छोटा मोटा कोर्स ले लिया और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं, वैल्यूएबल हो ऐसा कोई। मैं मैडम वही बोल रहा हूँ आपको, पहले आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं आपको पब्लिक हेल्थ में इसीलिए एडमिशन दिलाना चाहता हूँ कि 2 साल का या 3 साल का पब्लिक हेल्थ का कोर्स होता है। उसमें क्या होता है कि आपको यूएस की जो मेडिकल स्कूल्स और कॉलेजेस होती है, यूनिवर्सिटी होती है, वहां पे आपको एडमिशन मिलता है। और ज्यादा से ज्यादा 2 साल आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको वही हॉस्पिटल में मिल सकता है। और दूसरा बात है जो मैं आपको समझाता हूँ, सी मैम, यूएस के अंदर जो पाथ है वो डिफरेंशिएट है। आप अभी लास्ट ईयर में है कि इंटर्न कर रही है, वो मेरे को पहले क्लियर करेंगे? लास्ट ईयर में इसलिए एक और इंटर्नशिप बाकी है, लेकिन मैंने सोच रहा था कि इसे कुछ यूएस के अंदर रख आपको मैं बताता हूँ, यूएस के अंदर दो तरीके हैं। अगर आपका इंटर्न पेंडिंग रहेगा तो इंटर्न के। आपको हाँ क्लियर नहीं करना होता है, आपको यूनिवर्सिटी जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं वहां से एक एनओसी हाँ इश्यू करना पड़ता है, और यूएस की कोई भी एक हॉस्पिटल से हमको वहां से इनविटेशन लेटर इश्यू करवाना पड़ता है, जो कि पेड इंटर्नशिप रहता है। और तो वो इधर दोनों के मुझे पास इंटर्नशिप पेंडिंग सी रखनी सी है। सी यस, मैं वही बता रहा हूँ। यूएस के अंदर दो टाइप के पाथ है, एक तो आप कंटिन्यू स्टडी में जाओ या तो फिर आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद जाओ। अगर कंटिन्यू स्टडी में जा रहे हो, इंटर्न आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हो वो आपको अलाउ करने चाहिए कि आप इंटर्न इंडिया से बाहर जाके कर सकते हो, और वहां पे आपके पास वैसा हॉस्पिटल होना चाहिए जो कि आपको अलाउ करना चाहिए एज ए फॉरेनर वहां पे इंटर्न करने के लिए। लेकिन वहां पे जो हॉस्पिटल्स रहती है, हमारे पास मोर देन 250 हॉस्पिटल्स है, वो हाँ हॉस्पिटल होती है पेड इंटर्नशिप वाली। मीन्स आपको वहां पे $450 से लेके $4,500 तक का अमाउंट होता है, डिपेंड ऑन द हॉस्पिटल। सपोज आप यहाँ हाँ पे, आपको मैं बात बताता हूँ कि आप यहाँ पे अगर इंटर्न करने जा रहे हो, अगर आप स्टर्लिंग हाँ में जाएंगे या फिर अपोलो में जाएंगे तो उसका चार्जेस थोड़ा हाई रहेगा, अगर छोटे लेवल के हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो उसमें चार्जेस कम होगा। वैसे ही यूएस के अंदर सिस्टम है, हाँ वहां पे रेप्यूटेड हॉस्पिटल रहती है, उसका चार्जेस ज्यादा हाँ होता है, जो ज्यादातर नाम कमा के नहीं बैठी है, जो हॉस्पिटल जिसका नाम नहीं होता है मार्केट में उसका चार्जेस कम होता है। सो हाँ इंटर्न करने के लिए वहां पे जाते हैं, वो 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। वहां पे जाने के बाद उसका जो एक आपको रिकमेंडेशन लेटर मिलता है, LOR बोलते हैं, जितनी हाँ रेप्यूटेड हॉस्पिटल से आपने इंटर्न किया होगा और जितनी रेप्यूटेड हॉस्पिटल का आपके पास LOR होगा, वो LOR आपका इफेक्ट करेगा जब यूएसएमएल आपका कंप्लीट होगा उसके बाद पीजी के लिए। सी पीजी के अंदर 3 स्टेप आपको जो होते हैं क्लियर करने पड़ते हैं, एक होता है USMLE 1, USMLE 2, USMLE 3। USMLE 1 आप यहां से अभी जो स्टडी कर रहे हैं उसके पैरेलली कंप्लीट कर सकते हो। अभी देखिए USMLE 1 का कोचिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, इट्स ऑनलाइन एग्जाम। हेलो, हाँ जी मैम आप सुन पा रहे हो क्या? बोलिए। हाँ, हाँ हाँ USMLE 1 और USMLE 2 सीके आप यहां से क्लियर भी कर सकते हो, और वहां पे जाने के बाद, यूएस के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है कि 1 आपको पहले देना है, 2 पहले देना है, आप हाँ पहले वो वहां तो पे मुझे पता जाके ही क्लियर कि किया। उसका जो भी स्कोर आता है वो 7 इयर्स के लिए वैलिड होता है, और CK और CS देना तो सब पता है। वो सिर्फ रिक्वायर्ड नहीं मैम। अगर आप हाँ देखेंगे 190 to 240 के बीच में स्कोर आता है तो आपका वो स्कोर ब्लॉक हो जाता है। अगर बिलो 190 आ रहा है आपका स्कोर, तो आपको टेंशन लेने की हाँ जरूरत नहीं है, हाँ क्योंकि वो आप 7 बार नहीं, 10 बार, 50 बार भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन 190 और 240 के बीच में स्कोर आ गया तो वो स्कोर को गिना जाता है क्वालिफाइड स्कोर, लेकिन पीजी के अंदर एडमिशन लेने के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है स्कोर। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर पीजी का स्कोर चेक करेंगे कोई भी वेबसाइट पे, तो 232 मार्क्स रिक्वायर्ड था लास्ट ईयर, सबसे जो लोएस्ट यार स्कोर था बेटा वो। कोई है। यस, सो अभी जो स्कोर रहेगा, एजम्पशन जो मैं बोल रहा हूँ, एजम्पशन मेरा वो रहेगा कि 240 या 238 के आसपास स्कोर चाहिए होगा, तो USMLE 1 का स्कोर 240 के आसपास वेरी करेगा, वो 240 के ऊपर आपका 1 मार्क्स भी होना चाहिए तो जाके आपको पीजी के अंदर एडमिशन मिल पाएगा। सेकेंड चीज, USMLE 2 CS जिसके लिए रिक्वायर्ड है इंटर्नशिप किया हुआ, वहां पे आपको यूएस के अंदर क्लर्कशिप करना पड़ेगा जो कि पेड होता है।
और वो पेड क्लर्कशिप आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी हॉस्पिटल में करना है. आपका एक बार क्लियर रिज्यूमे हमारे पास आएगा, बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे हमारे जो यूएस के एक्सपर्ट्स है वो आपसे स्काइप पे बातचीत करेंगे. स्काइप पे बातचीत करने के बाद वो डिसाइड करेंगे आपको कौन कौन से हॉस्पिटल मिल पाएगा चाहिए, और उसके अंदर आपको 5 to 6 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे. यस इट इज अ वन काइंड ऑफ इंटरव्यू लाइक यस वन काइंड ऑफ इंटरव्यू बिकॉज अवर एक्सपर्ट विल गोइंग टू चेक यू व्हाट्स योर कैपेबिलिटी एंड फॉर व्हिच ब्रांच यू आर सुटेबल. आप ऐसा बोल रहे होगे मेरे को ऑर्थो वाला ही चाहिए लेकिन ऑर्थो के अंदर आप सुटेबल नहीं हो तो फिर आपको वो लोग बोलेंगे कि आपके लिए इतनी इतनी ब्रांच प्रिफरेबल है. कोई भी कंट्री में आप पीजी करने जाते हो तो पहली चीज यही है ध्यान में रखनी है कि पीजी की आप जो ब्रांच सोच रहे हो वो मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं होती है. बराबर है. आप वैसा बोलेंगे आपको गायने चाहिए पीडिया चाहिए ऑर्थो चाहिए इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आपको वो पॉसिबल करना है तो आपको परफॉर्म करना है. यस परफॉर्म करना है स्कोर भी इतना चाहिए. यस दैट्स द मेन थिंग. सी यूएसएमएलई 1 इट्स नॉट वेरी टफ पार्ट बिकॉज इट्स अ थियोरिकल पार्ट. यूएसएमएलई 2 सीके इट्स आल्सो थियोरिकल पार्ट बट व्हेन यू विल गोइंग टू जॉइन द यूएसएमएलई 2 सीएस सीएस के अंदर क्या है 12 पेशेंट आपको एक एक रूम में बिठा के रखा होता है. उनको आइडेंटिफाई करना है आपको उनको ऑब्जर्व करना है और वो सबसे टफ टास्क होता है. हाँ. उसके लिए जहां तक आप वहां पे क्लिनिकल रोटेशन नहीं कर रहे हो सी इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है यूएस के अंदर. हमने बैठा दिया बेड पे उसको चेक कर लिया. वहां पे पेशेंट के साथ आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है पेशेंट का आपको बातचीत करके उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि डॉक्टर मेरे लिए बराबर है. उस लेवल का रिलेशन बिल्डअप करना होता है उसके बाद वो आपको क्वेश्चन के आंसर देता है बेस्ड ऑन दैट आपको प्रिस्क्राइब करना है. इंडिया जैसा सिस्टम नहीं कि कोई भी डॉक्टर होगा वहां पे इंजेक्शन लगा पाएगा. वहां पे डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब करता है वहां पे नर्सिंग स्टाफ होता है वो इंजेक्ट करता है. या वो तो मुझे पता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अवर एजुकेशन सिस्टम एंड फॉर दैट रीजन क्लिनिकल रोटेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग यूएसएमएलई 2 सीएस. एंड वंस यू विल क्लियर द यूएसएमएलई 1 यूएसएमएलई 2 सीएस यूएसएमएलई 2 सीके then you will able to work as a residence doctor over there. बराबर है. इन पीजी देखिए पीजी अपने जैसा नहीं है कि वहां पे कॉलेज की कोई स्टडी है. पीजी दैट मीन्स वन काइंड ऑफ वर्क प्रोफाइल ओनली एक्सपर्ट डॉक्टर के को काम करना होता है वहां पे. दिस इज द सिस्टम ऑफ द यूएस. इवन दिस इज द सेम सिस्टम फॉलो इन द जर्मनी. जर्मनी में कोई पीजी नाम का वर्ड ही नहीं है. वहां पे आपको प्रैक्टिस ही करना होता है. आपका जो डॉक्टर होता है वो आपको रिकमेंड करता है इन फ्यूचर कि आप कौन सी ब्रांच के लिए आप मैच हो रहे हो. और यस बोलिए नेक्स्ट स्टेप 3 वो ही पूछ रही हूं. स्टेप 3 के अंदर उतना टफ नहीं रहेगा आपको जब आप 2 सीएस तक पहुंच गए होगे. मेन जो पड़ाव रहता है 2 का ही रहता है 2 सीएस में. सबसे जो टफ पार्ट रहता है 2 सीएस ही रहता है. जो भी स्टूडेंट क्लियर किए आपको पता है सी यूएसएमएलई मैं वही बोल रहा हूं मैम. यूएसएमएलई का कोचिंग तो आपको पता है कैपलन के थ्रू ही मिलता है. यहाँ पे जो ऑनलाइन कोचिंग रहता है वहां पे भी आपको कैपलन का और दूसरे एक्सपर्ट जो हमारे फैकल्टीज है उसका सपोर्ट मिलता है. डिपेंड करता है आप पे आप कितना कैपेबल हो. हर कोई कोई यूएस में प्रैक्टिस करनी है. अगर सक्सेस रेशियो की अगर बात कर रहे हो मैं जैसे एक चीज दिखाता हूँ आपको तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. इंडिया के सिनेरियो क्या है आज की डेट में अगर आप बात करेंगे. अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कितना रिजल्ट होगा आपके हिसाब से क्या एज्यूम करते हैं आप. क्या मुझे तो ये रेशियो बहुत पसंद है. मैं मुझे तो सारे कि यूएसएमएलई में टाइम वेस्ट करो उससे बेटर है यहाँ पे इंडिया में नीट पीजी पास करके. अब स्क्रीन पे देख लीजिए मैंने जो वेबसाइट ओपन किया है कौन सा वेबसाइट है. usmle.org यूएस ऑफिशियल वेबसाइट है. वहां पे स्कोर एंड ट्रांसक्रिप्ट में जाइए. बराबर है. परफॉर्मेंस डेटा पे क्लिक कीजिए.
या आप भी खुद चेक कर सकते हो कौन से ईयर का आपको रिजल्ट देखना है, वो मेरे को बताइए आप। ये रिजल्ट है सामने, आप बोलेंगे ओपन करेंगे हम 2018 से। ओके 18 पे क्लिक कर दो। चलो अभी USMLE 1 का कितना स्कोर होगा, आप एज्यूम कितना परसेंटेज कर रहे हैं? मुझे तो बहुत कम लग रहा है। कितना बहुत कम? 2%, 3%, 5%? इतना तो नहीं होगा, और इंडिया में से बिलो 50 हो सकता है। बिलो 50? ओके चलो बिलो 50। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देखिएगा कितना है। सी द रिजल्ट। सी यहाँ पे दो रिजल्ट रखे हुए अगर आप देखेंगे तो, फर्स्ट जो यहाँ पे है यूएस एंड कैनेडियन स्कूल से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट है, कितना परसेंटेज है? 95। और ये रहा अदर कंट्री स्टूडेंट का, कितना है? 80। अभी बताइए आप। तो ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर पीजी की सीट्स कितनी है अपने पास? ने पास लोगों तो लाखों में एग्जाम देने वाले, और एग्जाम के अंदर बहुत कम है, पीपल जो है वो उसकी कंपैरेटिवली कम है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितना है परसेंटेज रेशियो इंडियन पीजी सीट्स का। दिस ईयर ओनली 3%। यूएस के अंदर क्या बेनिफिट होता है वो मैं बताता हूँ। इंडिया के अंदर एमबीबीएस को हम लोग प्राइमरी डिग्री काउंट करते हैं। हाँ, इंडिया में हम लोग एमबीबीएस को, यूएस के अंदर एमबीबीएस को प्राइमरी डिग्री काउंट नहीं किया जाता है। यूएस के अंदर जो पीजी कर रहा है उसको एज ए प्राइमरी डिग्री काउंट किया जाता है। सो वहां पे 1,00,000 बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन सीट कितनी होती है? यहाँ पे 1,00,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन यूएस के अंदर पीजी की सीट है 65,000। सो उसके लिए यहाँ पे रेशियो आपको मिल रहा है, इट्स मोर देन 65,000 नाउ। जैसे अपने वहां पे सीटें बढ़ती है वहां पे भी बढ़ती है। ये 65,000 जो रेंज जो फिगर दिखा रहा हूँ वो लास्ट ईयर की पहले की है, मीन इस साल में भी शायद वो 70,000 के ऊपर भी क्रॉस हो गया। सो यूएस के अंदर जो प्राइमरी डिग्री काउंट किया जाता है वो पीजी को काउंट किया जाता है, तो पीजी की सीट्स वहां पे ज्यादा है। एंड मेन वहां पे एडवांटेज, ये मैंने यूएसएमएलई 1 की बात की। 2 के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 96% है वहां के कैनेडा के लोग का, यूएस कैनेडा के लिए, और अपना इंडियन का है या फिर ऑलमोस्ट ऑल कंट्री का 83%। ये स्टेप टू सीएसबी देख लीजिए 70 के आसपास ही है, ये रहा 3 बढ़ गया। मैंने क्या बोला था, अगर स्टेप टू क्लियर कर रहे हो 3 के अंदर फिर उतना डिफिकल्टी रेशियो नहीं है, 3 का रिजल्ट ऑलवेज हाई मिलेगा आपको। हेलो, आपकी आवाज कट हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। आप अगर ये देखेंगे अभी, अगर आप देख रहे हो ये स्क्रीन, वन और टू का जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास होगा, लेकिन जब आप 3 का रिजल्ट देख रहे हो तो 3 का रिजल्ट ऑलमोस्ट मोर देन 90% दिखेगा आपको। Yes. रीजन वही है कि 2 CS है, वही मेन डिफिकल्ट पार्ट है, उसके बाद उतना डिफिकल्टी नहीं रहता स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप भी फैमिलियर हो जाते हो यूएस के कल्चर के हिसाब से, वहां की स्टडी के हिसाब से, तो उतना डिफिकल्टी फिर नहीं रहता आपको भी। सी यूएस दिखता टफ है लेकिन एक्चुअली इतना टफ नहीं है, और वो आप जब उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट रिफर करेंगे तभी जाके आपको पता चलता है। ओके okay. और मुझे मुझे ये जानना है कि ब्रांच भी कौन सी मिल रही है। हेलो, यस बोलिए। मुझे ये जानना है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप और सारा कुछ इधर कंप्लीट करे, बाद में मैं स्टेप 1 की प्रिपरेशन स्टेप 1 दू और 2-3 और सब देने, तो टाइमिंग कितना लगता है अप्रोक्स? वो तो हमारे पे डिपेंड है, लेकिन तो आपके थ्रू कोई स्टूडेंट ने या कुछ आपको पता हो तो अप्रोक्स कितना वक्त लगता है? सी इट्स अ हिडन पार्ट, ये जो पार्ट था हिडन था अभी तक, बहुत कम लोगों को पता था। लोग क्या करते थे, एमपीएच कोर्स में एडमिशन लेते थे, एमपीएच कोर्स ज्वाइन करने के बाद वहां पे जाके यूएसएमएलई क्रैक करते थे।
ये जो पाथ था बहुत कम लोगों को पता था कि पेड इंटर्नशिप वहां पे पॉसिबल है विदाउट क्लियर द यूएस एमएनए, जो हमने इस साल से शुरू किया है. बराबर है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना जल्दी ग्रैप कर रहे हो, कितना जल्दी उसको क्लियर कर रहे हो. सी वॉट एवर द सपोर्ट पॉसिबल वी विल गोइंग टू प्रोवाइड यू सपोर्ट, बट एंड ऑफ द डे आपका मेहनत सबसे पहला प्रायोरिटी है उसमें. मैं आपको मर्सिडीज भी दे दू, बीएमडब्ल्यू भी दे दू, लेकिन चलाना आपको आना चाहिए. हाँ, वो तो हमारे पे. अगर आपको ड्राइविंग ही नहीं पता है तो फिर कोई भी गाड़ी बड़ी इसी दे दूंगा आपको, कोई मतलब ही नहीं है. आपको कितना लगता है वन ईयर में एक स्टेप या ईयर में टू? सिक्स मंथ में एक ही आपका मुझे भी पता है कि वो सीएस ही डिफिकल्ट है, स्टेप टू ही डिफिकल्ट है, इसलिए लोग स्टेप टू पे आके छोड़ देते हैं, मैंने ऐसा सुना है. उसी लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो पेड क्लिनिकल रोटेशन रहता है वो पेड क्लिनिकल रोटेशन सबसे बड़ी चीज है. सी यूएस के अंदर दो चीज होती है, ऑब्जर्वेशनशिप और रोटेशन. ऑब्जर्वेशनशिप में क्या होता है, शेडोइंग वर्क होता है, मीन्स एक डॉक्टर काम कर रहा होता है उसके पीछे आपको नोटबुक लेके घूमना है, उसको ऑब्जर्व करना है. अगर आपने ऑब्जर्वेशनशिप किया है तो आप क्लिनिकल रोटेशन स्टेप टू जो सीएस है क्लियर नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आपने क्लिनिकल रोटेशन प्योरली किया हुआ है तो आप टू सीएस इजीली क्रैक कर पाएंगे. राहुल भाई, यस सर, इसमें ये पेड इंटर्नशिप जो आप बोल रहे हैं $450 या $4,500 ये क्या मतलब, टोटल कॉस्ट है या पर मंथ का कॉस्ट है, कैसा है ये? पर मंथ का होता है सर, पर मंथ उसको हॉस्पिटल में पे करना पड़ता है स्टूडेंट को. ठीक है, ये डिपेंड ऑन हॉस्पिटल, डिपेंड ऑन हॉस्पिटल. यस, जो ब्रांडिंग है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो नेम है, फेम है, उसके अकॉर्डिंग. यस यस यस. अभी ये जो एक रास्ता आप बता रहे थे जो स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया था कि पब्लिक हेल्थ, दूसरा जो रास्ता है, दूसरे रास्ते में ऐसा है कि मास्टर इन पब्लिक हेल्थ का कोर्स लेके जाएगा बच्चा, उसमें बेनिफिट क्या होता है, पहला जो हमने स्टेप बताया जो क्लिनिकल रोटेशन वाला, उसमें विजिटर वीजा लेके जाता है जो कि 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ के बाद उसको रिटर्न इंडिया आना पड़ता है. लेकिन अगर एमपीएच कोर्स लेके जाता है तो उसमें बेनिफिट वो हो जाता है कि उसको सीधा 5 साल का वीजा लगता है, क्योंकि मास्टर का 2 साल का वीजा होता है, 3 साल का उसका जॉब सर्चिंग वीजा होता है, मीन 5 साल की कंटिन्यूशन वहां पे स्टे लेके वहां पे वो खुद USMLE का प्रिपरेशन हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, जो भी है वो क्लियर करके पैरेलली उसका वो चीज भी क्लियर कर सकता है. अच्छा, अल्टीमेटली फॉर डूइंग पीजी इन यूएस कैंडिडेट शुड बी क्लियर USMLE स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. एंड बिफोर द यूएसएम बिफोर द एडमिट इन द एमपीएच स्टूडेंट मस्ट रिक्वायर 6.5 एंड मिनिमम इन द आईलेट्स. ओके ओके ओके, फॉर रीचिंग ओवर दैट. So, ये मास्टर इन पब्लिक हेल्थ वाला दैट इज ए अल्टरनेटिव टू गेट द वीजा फॉर 5 ईयर इन यूएसए. यस 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 यस. इन द ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन ही कैन जॉइन एनी पार्ट टाइम जॉब. यस डेफिनेटली, 20 आवर्स परमिशन इज देयर, वीकली 20 आवर्स जॉब वो कर सकता है वहां पे. लेकिन तो मतलब ड्यूरिंग मास्टर मास्टर जब कर रहा है सर, यस यस आई जस्ट से यू, जब वो एमपीएच कर रहा है तो ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा वो, वो प्रोफाइल के अंदर जॉब कर पाएगा. हाँ समझ गया, वो हॉस्पिटल में एज एज एडमिनिस्ट्रेटर एज एडवाइजर जस्ट लाइक दिस इस तरह की प्रोफाइल पे काम कर पाए. इवन वहां पे कॉल सेंटर्स भी रहते हैं मेडिकल हेल्थ के रिगार्डिंग, कॉल सेंटर में भी जॉब मिलता है. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का भी काफी काम होता है. ऑनलाइन वहाँ पे भी वो जो वो लोग ऑनलाइन वो लेते हैं, एडवाइस लेते हैं डॉक्टर, तो वहाँ पे भी काम मिलता है. एमटी का वर्क वैसा वर्क है वहाँ पे कि वो घर पे बैठे कि स्टूडेंट काम कर सकता है. ऑनलाइन वर्क होता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें डॉक्टर ने जो कुछ बोला है उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके. So, any other question, ma'am? इसका क्या कॉस्टिंग आता है सर, ये मास्टर इन पब्लिक हेल्थ का 2 साल का या 3 साल का? 2 साल का सर कोर्स रहेगा मास्टर का, जो रहेगा वो
लेकिन 3 साल का जॉब सर्चिंग वीजा भी उसको मिल जाता है वहां पे, मीन्स टोटल ड्यूरेशन स्टे जो मिलता है 5 साल का मिलता है। ठीक है, तो इसमें इसमें ये दो साल के कोर्स में फीस क्या आ रही है लगभग? और डिपेंड सर, डिपेंड कौन सी सिटी में हम लोग ले रहे हैं। सी यूएस के अंदर करीबन $12,000 से लेके $30,000 तक की यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, वो स्टूडेंट के प्रोफाइल पर ईयर का फीस होता है। और इसके अलावा लिविंग कॉस्ट अलग से हो गया? लिविंग कॉस्ट तो सर देखिए वहाँ पे जॉब करके उतना एक्सपेंडिचर निकाल ही सकता है, उल्टा पैसा सेव हो जाता है। और वो कोई ये ड्यूरिंग जो छोटे मोटे जॉब करेगा ड्यूरिंग मास्टर पब्लिक हेल्थ में, तो उस समय मिनिमम और मैक्सिमम कितना ही और शी कैन अर्न? सर वो डिपेंड ऑन द जॉब, वो $12 पर आवर का भी मिल सकता है, उसको $25 पर आवर भी मिल सकता है, डिपेंड कौन से टाइप की जॉब उसको मिल रही है, लेकिन मिनिमम $13-14 मिलता है पर आवर का। $13-14 पर आवर का, पर डे कितने आवर्स काम कर सकता है? और 20 आवर्स का उसका वीकली होता है, उसको परमिशन वीकली 20 आवर्स जॉब कर सकता है। यस, मैं 3 घंटा गिन के चलो आप, सैटरडे संडे वो फुल डे जॉब। सी यूएस के अंदर दो टाइप की जॉब होती है, एक पेड जॉब होती है और एक ऑन कैश जॉब होती है, मीन्स ऑन कैश जॉब भी जो होती है अनऑफिशियल बोल सकते हैं उसको। तो सैटरडे संडे को स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं करते, वो ऑन कैश जॉब करते हैं वहां पे, कि सीधा काम किया शाम को पैसा लेके वहां से निकलते हैं वो। डेली वेजेस वाला? यस यस, वो काम भी होता है उनका। अपने इंडिया में जैसे हाजिरी सिस्टम बोलते हैं, भैया अभी 2 घंटे का काम है, अभी काम करो और पैसे लो जाओ। यस, फिर भी मतलब ये वीकली इसका मतलब वो $300 के आसपास अर्न कर सकता है मिनिमम? सर आराम से देखिए $2,000 से नीचे कोई अर्न करता ही नहीं यूएस में, $2,000 मंथली उसका मिल ही जाता है उसको, जो कि उसका लिविंग कॉस्ट हो जाता है लगभग। यस यस, मतलब और आफ्टर, हाँ बोलिए मैम, आफ्टर MBBS इधर इंटर्नशिप करके जाए फिर बाद में ये 3 स्टेप का कॉस्ट क्या होता है? सी 3 स्टेप का कॉस्ट होता है वो एग्जाम का जो कोस्टिंग लगता है, एग्जाम आपका जो $900 के आसपास, $50 के आसपास उसकी फीस रहती है USMLE 1 की, $950 जितना फीस रहता है एक एग्जाम का। USMLE 1 होता है $1,315 है, मीन्स $1,350 वन का है, टू का सीके का और सीएस का $950 है कुछ, और थ्री का भी कुछ $1,300-1,400 मीन्स वो एग्जाम का जो फीस रहता है वो अलग रहेगा। कोचिंग जो आप ले रहे हो, कोचिंग आप कौन सी सिटी में जा रहे हो उसके बाद हम लोग आपको प्रीफर कर सकते हैं कि वहां पे कौन से फैकल्टीज हमारे अवेलेबल है। तो ऐसा आपका एग्जम्पशन ये है कि पब्लिक हेल्थ वाले कोर्स में जाने से बच्चे का क्लिनिक प्रोटेक्शन वाला पार्ट में ये पब्लिक हेल्थ पे सर बेनिफिट हो जाता है, सीधा स्टे बैक आपको 5 साल का मिल जाता है, तो उसको फिर वहां पे पेड इंटर्नशिप वापस करनी पड़ेगी। पेड इंटर्नशिप सर देखिए यूएस के अंदर कोई भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करनी है आपको, वो पेड ही करेंगे आप तो बेटर रहेगा। मतलब बेटर तो ये है कि फिर इंडिया में क्यों टाइम खराब करें, इंडिया में जैसे टाइम वो उसका फाइनल ईयर करके इंटर्नशिप अपने कॉलेज से एनओसी लेके इंटर्नशिप सर इंडिया में सर अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो आप काउंट करेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इंडिया के अंदर पीजी की सीट्स कितनी है? 3% सीट है, 3-6% मैं तो बोल सकता हूँ, चलो मैं तो बोलता हूँ 6% सीट बराबर है। पहले साल में 1 लाख बच्चे पहले साल में एग्जाम दे रहे हैं, इंडिया के अंदर MBBS की सीट कितनी है? 68,000 68,000 एवरी ईयर 68,000 बच्चे बाहर निकल रहे हैं, हर साल 68 तो आपके ऐड होने वाले हैं। पीजी की सीट कितनी है आपके पास? 6% मैक्सिमम होगी, 10% होगी, 6,500 सीट है, 6,500 सीट है, 10% होगी, 10% के सामने जो बच्चे हर साल ऐड हो रहे हैं, मीन्स अभी 68,000 आप गेन रहे हो, लेकिन अगले 5 साल में 68 के हिसाब से कितने 3 लाख बच्चे बाहर निकल रहे हैं, 10% की बढ़ करके 20% होगी। मीन्स यहाँ पे जो सीट अवेलेबल होनी चाहिए उतनी है ही नहीं,
सीटें नहीं, और फिर नीट पीजी भी तो देना पड़ेगा बिफोर मतलब गेटिंग एडमिशन इन एमडी कोर्स या पीजी कोर्स, दे हैव टू क्लियर नीट पीजी, और नीट पीजी अगेन है वेरी टफ एग्जामिनेशन, इट्स नॉट ए इजी सर। टॉप एग्जाम, टॉप एग्जाम सर, नीट पीजी भी टफ नहीं है। अगर ये मैम अभी जो बात कर रही है, मैम को जस्ट पूछिए कौन सी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं मैम। हेलो 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 हेलो, हेलो, लाइन पर। हेलो, आप कौन सी कॉलेज से अभी पढ़ाई कर रहे हैं। सूरत स्मिमेर। सूरत से बात, सूरत से पढ़ रहे हैं आप अभी। हाँ आपको पता होगा गुजरात में बीच में आया था इश्यू जीएमएआरएस का, टीचर्स अवेलेबल नहीं हाँ थे पढ़ाने के लिए। आपकी कॉलेज में क्या कंडीशन है अभी। क्या बोल रहे हैं, आपकी क्या आवाज कट हो रही। जो हेलो, रेडियोलॉजी फैकल्टी है, जो भी आपके फैकल्टीज है, आपको अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। जीएमएआरएस हाँ अवेलेबल होते स्मीमेर सूरत। आपको पता होगा, बीच में जीएमएआरएस में पेपर में, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कुछ कि फैकल्टीज अवेलेबल नहीं थे कुछ कुछ सब्जेक्ट के, शायद आपको भी पता होगा ये चीज, हाँ, वो जीएमएआरएस में हुआ था। बराबर है। तो सर मेन हाँ चीज यहाँ पे वो होती है, मेडिकल सिस्टम इंडिया का, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीजी का उतना स्टाफ नहीं है। अपने को फैकल्टी चाहिए पीजी वाले, जिसने पीजी क्लियर किया हुआ है, तो पीजी के फैकल्टीज ही नहीं है हॉस्पिटल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर। बच्चे को पढ़ाया नहीं जा रहा है सब्जेक्ट, तो पीजी कहाँ से क्रैक कर पाएगा। हाँ वो खुद ही करना पड़ता है क्लासेस और वगैरह लेके। और यस वो नीट पीजी में आफ्टर एडमिशन लेके भी बहुत टॉक्सिसिटी है। यस सो दिस इज द रियल सीनारियो ऑफ द इंडियन पीजी सर। पेरेंट्स को यहाँ पे ऐसा लगता है कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत बेटर है। मैं आपको जस्ट एक चीज आपको समझाता हूँ, अपना बोलिए। एक बहुत प्रैक्टिकल चीज है, थोड़ा गौर देने की जरूरत है। जैसे देखने जाए तो हम लोग पहले जो एमबीबीएस में एडमिशन लेते थे, जब इन्होंने लिया होगा एमबीबीएस में एडमिशन, उस टाइम पे क्वालिफाइड जो मार्क्स थे वो 50% इन एचएससी बोर्ड। उस टाइम पे नीट था नहीं, उस टाइम पे पीएमपी था, लेकिन वैल्यू इसकी ज्यादा थी उस टाइम पे। इसमें जितने परसेंटेज ज्यादा होते थे उतना चांसेस बढ़ जाता था एडमिशन लेने का। ये 50% पे हम लोग क्वालिफाइड गिनते थे। आज की डेट में एचएससी के मार्क्स को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग काउंट कर रहे हैं नीट। अभी नीट का क्वालिफाइड मार्क्स कितना है रवि सर, 140 हम लोग एवरेज गिन के चलते इस साल के लिए, क्योंकि सबका पेपर नहीं अच्छे नहीं गए हैं। ज्यादा है, 40 से भी ज्यादा है। क्वालिफाइड मीन्स 140 इस साल क्वालिफाइड के मार्क्स गिन सकते हैं हम लोग। लास्ट टाइम के 140 140 है, एडमिशन लास्ट के ईयर, लिए 250 तो होने ही चाहिए लास्ट मैं एडमिशन के की लिए। बात नहीं कर रहा, मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा, इट्स हाँ बात टॉकिंग तो अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली क्वालिफाइड मार्क्स। या जहां आपको एमबीबीएस के लिए क्वालिफाइड गिना जाता है, पहले क्या था 50% पे आपको क्वालिफाइड गिना जाता था, अभी 140 पे आपको क्वालिफाइड गिना जा रहा है। दैट मींस 720 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें से 140 पे आपको क्वालिफाइड गिन रहे हैं। मींस कितना परसेंटेज हुआ है सर, 30% भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर हाँ प्रैक्टिकली सोचने जाए तो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को पहले से बिगाड़ के रख दिया। क्वालिफाइड हाँ मार्क्स 50% तो मिनिमम होना ही चाहिए, आप एचएससी हो कि नीट हो। सबसे पहला तो यहाँ पे ये चीज गलत हो गया है, ये किसी की नजर में नहीं आ रहा है 30% वाला हाँ चीज वो हो रही है। सी सिस्टम जो भी है, यूएस, यूके, कनाडा, जो भी ऑप्शन है, कनाडा तो बहुत टफ है पीजी के लिए, पीजी के लिए मैं कनाडा प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन पीजी के लिए यूएस एंड यूके एंड इवन जर्मनी इज अ बेटर ऑप्शन। बट जर्मनी का एक ड्रॉबैक वो है कि वो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। कनाडा क्यों प्रिफर नहीं करेंगे, मुझे वो कनाडा की पता नहीं। कनाडा के अंदर पीआर का इश्यू आता है, उसके बाद आता है वो थोड़े रिजिड है वहां पे। कनाडा वाले मैं बोलूं तो यूएस से रिजिड है वो लोग।
एक्चुअली पीआर आपका और जहां तक नहीं होगा, मैं यूएस के अंदर, पीआर की जरूरत नहीं है। हाँ, बराबर मेरा है ब्लर रीजन कनाडा में और मुझे स्पॉन्सर करे फिर भी। आपका पीआर हो जाता है उसके बाद इजी है, लेकिन हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि कनाडा में उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा। नहीं, मैं मेरी कनाडा बात कर कि मीन्स आपके मेरी अंदर सिस्टर मुझे पॉसिबिलिटी है, स्पॉन्सर करे आपके फिर लिए आगे पॉसिबल। क्या। आप पीआर करने के बाद ये चीज कर सकते हो, लेकिन एज पर एज कैनेडा नॉर्म्स, अगर आपको पीआर भी करवाना है तो यू हैव हाँ एटलीस्ट क्लियर्ड मास्टर एग्जाम और बैचलर। इवन इफ यू विल क्लियर द बैचलर, आफ्टर दैट यू नीड 8777 बैंड इन द आईलैट्स। आपको पहले चाहिए हाँ आईलैट्स का स्कोर, स्पॉन्सर के आपको पॉइंट काउंट होंगे, 3 साल का आपका हाँ वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट करवाना पड़ेगा, मीन्स उतना डिले होगा आपके लिए। कनाडा लास्ट टू लास्ट का अगर सीएसआर सीआरएस कैलकुलेटर आप चेक करेंगे, कनाडा में आपको खुद का जी प्रोफाइल खुद चेक करना है। यहाँ पे सीआरएस कैलकुलेटर है कनाडा का, उसमें जाके आप खुद का प्रोफाइल पहले चेक कीजिए कि आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। कि किसी बच्चे का अगर जून 19 का कंप्लीट हो रहा सी, वो पॉइंट सिस्टम काउंट करने के बाद हम लोग आपको बोल सकते हैं कि आपका होगा कि नहीं होगा। ओके ज्यादा कोई भी और डिटेल मुझे चाहिए आईएलटीएस तो आईलेट्स के अंदर बैंड स्पॉन्सर। चाहिए चाहिए। आईलेट के अंदर स्पॉन्सर होगा कि नहीं होगा, आपको 877 लाने पड़ेंगे। मेडिसिन फील्ड में कहीं पे भी ओके जाएंगे, इवन आप यूएस में भी जाएंगे तो आपके कोर्स के करिकुलम में ही आईलेट्स के अंदर ऐड होगा। 7 बैंड मिनिमम यूएस चाहिए में कोर्स भी आईएलटीएस, के अंदर, आईलेट्स टोफेल चाहिए। यूएस सी में क्यों आपको आईएलटीएस है। यूएस है, यूके है कि कनाडा है, कहीं पे भी है, आपके करिकुलम में वो चीज होती है कम्युनिकेशन पार्ट। आप पेशेंट से हाँ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, पेशेंट से आप बात हाँ कैसे हाँ करेंगे। मैम सर ये अपना मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में जाएगा उसमें भी कितने बैंड चाहिए, 7 बैंड? वहां पे अपने को यहाँ से जाने के लिए 6.5 चाहिए, लेकिन वहां पे जाने के बाद फर्दर पीजी स्टडी के लिए वो कोर्स ड्यूरेशन के दरमियान ही उसको 7 बैंड क्लियर करने पड़ेंगे, वो एग्जाम फिर से वहां पे मतलब जाके देना पड़ेगा। वापस से आईएलटीएस देना ही पड़ेगा उसको, मतलब आईएलटीएस अगर यहाँ से 7 पास करके जाए तो वो भी क्लियर हो गया, फिर बार बार वो भी लफड़ा नहीं। आईलेट्स का स्कोर सर 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो हम लोग एडवाइस अच्छा देते हैं 1 साल के बाद एग्जाम दे। आईलेट्स का एग्जाम खर्चा सर 16,000-15,000 रुपया आता है, लेकिन जो जिस टाइम पे अपने को जरूरत है उस टाइम पे उसका वैलिडिटी खत्म हो गया है तो वो आईलेट्स कोई काम का नहीं रहेगा। मीन्स यहाँ पे एंट्री के बाद भी जितना भी बैंड वो लाया होगा, लेकिन उसको फिर से 1 साल के बाद एग्जाम तो देनी पड़ेगी। अच्छा तो मतलब आइल्स भी 2 बार देगा। यस, 2 बार देगा। और सर इंग्लिश एनवायरनमेंट में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहां पे पब्लिक के बीच में जा रह रहा है वो, जहां पे उसको इंग्लिश में ही बात करनी है तो उसका आईलेट्स तो इम्प्रूव होगा, कम नहीं होगा कभी भी। क्या है आइल्स में क्या है कि जो एक जो स्पीकिंग टेक्निक जो है ना वो एक अलग चीज हो गई, सर और आइल्स डेफिनेटली, में जिससे जो बच्चा यहाँ पे इंडिया में 7 बैंड लेके आ रहा है उसको वो दिक्कत नहीं होने वाली है, और आईलेट्स वैसा नहीं, उसको वहां पे दिक्कत आ रही है तो इंडिया में वापस आके भी दे सकता है। आइल्स में एक्चुअली क्या होता है कि उसमें ग्रामर पार्ट होता है, कुछ पार्ट उसमें ये सारी स्पेलिंग एक्चुअली वगैरह कॉन्फिडेंस वगैरह। लेवल देखना होता है सर, व्हेन एवर द स्टूडेंट विल एबल टू आई मीन गोइंग टू टॉक विद द पर्सन इन द एग्जामिंग रूम देन द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ देयर। सी, आप गए अभी एग्जाम देने के लिए, गए स्पीकिंग के लिए, आपको ऐसा बोला गया कि भाई आगरा किधर आया हुआ है। अभी सामने वाला बंदा है उसको ज्योग्राफी का कोई पता नहीं है, वो तो कोई फॉरेनर बैठा हुआ है, उसको ज्योग्राफी मालूम ही नहीं है कि आगरा किधर आया हुआ है। आप वैसा भी बोलोगे ना कि आगरा जयपुर में आया हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाउ यू विल गोइंग टू डिलीवर, वहां पे आपका सिर्फ दैट इंग्लिश इज चेक हो पाता है, दिस इज द मेन पार्ट। आप वैसा आइल्स का बोलोगे कोई नरेंद्र फॉर्म मोदी यूएस का प्रेसिडेंट है, वो उसको लेना देना नहीं है। तो आइल्स का पेपर तो एमसीक्यू टाइप में होता है ना? सर आईलेट्स में 4 पार्ट आते हैं, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है। 3 पार्ट जो है वो एक ही दिन में खत्म होता है, स्पीकिंग जो होता है उसका सेपरेट दूसरा दिन एग्जाम होता है। स्पीकिंग के अंदर ट्रम्प कार्ड बेस्ड भी एग्जाम होता है, डिफरेंट एक टॉपिक भी आपको दिया जाता है, वो आप टॉपिक जो बोलेंगे आपके खुद के बारे में पहले आपको 2 मिनट तक नॉन स्टॉप एक्सप्लेनेशन देना है,
जैसे ही वो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक कार्ड दिया जाता है, खींचना होता है कार्ड, ट्रम्प कार्ड बोलते हैं उसको। वो कार्ड में जो भी टॉपिक आएगा वो टॉपिक के ऊपर तुरंत ही आपको बोलना है, ऑन स्पॉट बोलना, और वो टॉपिक कभी फिक्स नहीं होता है, वो हर बार कुछ तो रैंडमली टॉपिक आप प्रिपेयर करके नहीं गए होते, आपको जो दिमाग में आता है 2 मिनट तक। जिसके पास स्पीकिंग का जो एक रहेगा टेक्निक और जिसका कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होगा वही उसको बोल पाए। एंड सर द मेन थिंग इज 7 पॉइंट जिसका आ रहा है उसका स्किल कंप्लीट ही होगा। इवन 6 पॉइंट के ऊपर जिसका आ रहा है उसका स्किल प्रॉपर ही बोल सकते हैं हम, क्योंकि 6 से क्रॉस करना है वही सबसे बड़ी चीज है। फिर आफ्टर नेक्स्ट कनाडा में क्या होगा आईएलटीएस के बाद? मैम इसके लिए काम कीजिएगा, कनाडा का जो फर्दर प्रोसेस है मैं आपको आपका नंबर या फिर अंदर अपना जो नंबर दिया हुआ है एक बार फोन पे बात कर लेंगे। अभी दूसरा एक कॉल आ रहा है मेरे को भी बैकएंड में, तो कॉल खत्म करना पड़ेगा मेरे को, तो आप ये नंबर जो है ये जो स्क्रीन पे नंबर आप नोट कर लीजिए, ये नंबर जो है अपना 9558669687। हाँ। ये नंबर पे आप कॉल डायरेक्टली कर लीजिए, तो उसको फर्दर प्रोसेस क्या है वो चिराग जी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। राहुल भाई, हाँ बोलिए बोलिए सर। मैं ये कह रहा था ये जो अभी आपने ये कनाडा और यूएस का जो अभी प्रेजेंटेशन अभी वेबिनार में दिया ना आपने, हाँ। इसको इसको इसका जो ये पीपीटी का एक वो होता है पैक एंड गो ऑप्शन होता है पावर। Definitely, definitely sir, definitely वो PPT भी शेयर कर देंगे। Even ये जो वीडियो है, वीडियो YouTube पे लोड भी हो जाएगा, वो कल तक आपको YouTube पे भी मिल जाएगा सेम वीडियो। मींस आपको रिपीटेड देखना है तो भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये PPT मिल जाएगा ना, तो थोड़ा सा ठीक है, कभी कोई स्टूडेंट आया नेट कनेक्टिविटी नहीं है कुछ नहीं है तो हाथों हाथ उसको दिखा दिया। PPT मैं आपको शेयर करवा देता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ मुझे भी मेरे फोन नंबर है वडोदरा में, अंदर यहाँ पे गुजरात में बड़ोदरा में अभी हमारा ऑफिस, अहमदाबाद में, राजकोट में, 3 जगह पे। तो उनका एड्रेस और वगैरह जो भी हो मुझे मेरे नंबर पर आप ये नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा चिराग जी को, तो चिराग जी आपको तुरंत ही शेयर कर देंगे जो भी होगा डिटेल। या ओके। हेलो, बोलो। हाँ बोलिए मैम। सर एक फ्लो चार्ट मिल जाता तो बेस्ट रहता, ये पता चार्ट पे रेफरेंस भी मिल जाता कि आगे के लिए। या डेफिनेटली आपको मैं एक फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, बराबर है, किस टाइप का प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से स्टेप के क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो एक फ्लो चार्ट तैयार करके मैं आपको। स्टार्टिंग टू एंड सर। या डेफिनेटली स्टार्टिंग टू एंड, इवन व्हाट स्टेप यू विल रिपीट अगेन, दैट थिंग वी विल आल्सो गोइंग टू मेंशन। यस सर एग्जैक्टली, बिकॉज हम किसी को टेलीफोनिकली हम उसको समझा रहे हैं तो वो चीज उसको भी समझ में आनी चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं उसको। तो फ्लो चार्ट इज द बेस्ट थिंग कि हम उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। ओके सर। ओके सर राहुल भाई, थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ओके ओके।